ओके okay, इस क्वेश्चन में क्या गिवेन है उस टेम्स बोले अ शॉपकीपर हैज 300 ग्राम्स ऑफ रॉ सिल्वर विच यू वॉन्ट टू यूज टू मेक एन आर्टिकल ऑफ 350 फिफ्टी ग्राम्स बाई एडिंग इम्प्योरिटीज टू इट ठीक है उसमें बोला कि एक शॉपकीपर है जिसके पास रॉ सिल्वर है वो भी कितना 300 हंड्रेड ग्राम्स का तो 300 हंड्रेड ग्राम्स का आपके पास क्या है रॉ सिल्वर है ठीक है उसको क्या करना है इससे एक आर्टिकल बनाना है कितने ग्राम्स का 350 फिफ्टी ग्राम्स का इसमें क्या ऐड से रहे इम्प्योरिटीज ऐड करके ठीक है इसको एक आर्टिकल बनाना है फाइन आगे क्या बोला उसने बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ही लॉस सम सिल्वर अच्छा मतलब क्या इस प्रोसेस में उसका कुछ सिल्वर क्या हो जाता है वो लॉस्ट हो जाता है फाइनली ही मेड एन आर्टिकल ऑफ 350 फिफ्टी ग्राम्स बाई मिक्सिंग सम कॉपर इन टू इट एंड सोल्ड इट एट द सेलिंग प्राइज़ ऑफ़ सिल्वर अच्छा तो उसने क्या कर रहा है देखो आपके पास 300 हंड्रेड ग्राम्स का रॉ सिल्वर था फाइन अब उसने क्या बोला है कि जब वो ये कन्वर्ट कर रहा होता है तो कुछ सिल्वर उसका लॉस्ट हो जाता है मान लेते हैं इसमें से न, आपके पास x ग्राम्स क्या हो गया वो लॉस हो गया ठीक है तो इसका मतलब क्या है बाकी का जो आपके पास होगा इसमें प्लस y ग्राम्स वो आपके पास क्या होगा कॉपर होगा ठीक है ये आपके पास क्या है रॉ सिल्वर है और आपने यहाँ पर ये जो ऐड करा है वो आपके पास क्या है कॉपर है तो ये टोटल आपके पास जो वेट बनेगा वो कितना बनेगा 350 फिफ्टी ग्राम्स बनेगा ठीक है समझ में आ गया अब वो करता क्या है ये आपके पास जो फाइनल आर्टिकल बना इसको वो बेस देता है सेलिंग प्राइस पर ठीक है आगे उसने हमसे बोला क्या है कि इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ पर ग्राम ऑफ कॉपर is 62.5 percent less than the cost price of per gram of raw silver. ऑफ okay. उसमें रहा कि जो आपके पास cost price है किसकी Copper की ठीक है वो 62.5 percent less है किससे? जो आपके पास cost price है किसकी Raw silver की मतलब क्या 62.5 percent less को हम क्या बोल सकते हैं इसको थ्री बाई फाइव बोल सकते हैं किससे जो कॉस्ट प्राइज है आपके पास किसकी रॉ सिल्वर की ठीक है और उसने क्या बोला है कि एंड 800 हंड्रेड बाई अलेवन परसेंट लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ पर ग्राम ऑफ सिल्वर ओके और ये जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है किसकी कॉपर की ठीक है वो 800 हंड्रेड बाई थ्री परसेंट लेस है किससे मतलब क्या 800 हंड्रेड अपऑन एलेवन ठीक है हम ये चीज़ बोल सकते हैं इसको और इतनी लेस है इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ थ्री बाई अलेवन है किससे जो आपके पास सेलिंग प्राइस है किसकी सिल्वर की ठीक है तो अगर हम इन दोनों का यूज़ करना चाहेंगे आपके पास जो कॉस्ट प्राइस आई कॉपर की रेशो जो कॉस्ट प्राइस आई रॉ सिल्वर की रेशो जो सेलिंग प्राइस आई सिल्वर की उनका रेशो कितना बना इसको हम थ्री टू एट लिखेंगे ठीक है थ्री एज टू एट ये आपके पास जाएगा थ्री और ये आपके पास एट और ये आपके पास एलेवन ठीक है समझ में आ गया तो उस उसने से बोला क्या है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है किस रेशियो में आपने कॉपर और सिल्वर को मिक्स करा था अगर आपके पास जो शॉपकीपर है उसको प्रॉफिट कितना होता है फोर्टी फाइव फाइव बाई सिक्स परसेंट का अगर उसको प्रॉफिट होता है तो ठीक है तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं ध्यान से समझिएगा अगर मैं आपसे बात करता हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस की जो दुकानदार को टोटल पैसे देने पड़े वो कितने देने पड़े देखिए उसको जो प्राइस लगा वो इस 300 ग्राम का लगा होगा जो इसका उसने रॉ सिल्वर खरीदा था ठीक है 300 ग्राम्स ऑफ रॉ सिल्वर और रॉ सिल्वर की आपके पास कॉस्ट कितनी थी आठ थी तो इंटू एट ठीक है प्लस अब इसको और एक्स्ट्रा क्या प्राइस पर लेना पड़ा होगा ये जो वाई ग्राम से उसने कॉपर लिया था ये उसको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगाना पड़ा था तो ये भी तो आपके पास कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वाई इंटू थ्री ठीक है तो टोटल जो आपके पास कॉस्ट प्राइस बनी वो ये बनी अब अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो आपके पास देखो जो टोटल वेट बना वो तो थ्री फिफ्टी ग्राम्स का बना और इसको वो बेच कितने पर है जो सेलिंग प्राइस थी सिल्वर की मतलब क्या एलेवन पर बेच रहा है तो इंटू एलेवन कर लीजिए ठीक है अब अगर हम बात करें उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है उसने प्रॉफिट बताया है फोर्टी फाइव फाइव बाई सिक्स परसेंट तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा टू सेवेंटी फाइव अपॉन सिक्स परसेंट और आई कैन से वन अपॉन हंड्रेड यहाँ पर ठीक है ये आपके पास फोर टाइम्स गया ये आपके पास वन इलेवन टाइम्स गया ठीक है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना क्या एलेवन अपॉन ट्वेंटी फोर और अगर ये प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी फ़ोर ठीक है इसका मतलब क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस टू फोर डबल ज़ीरो प्लस थ्री वाई इंटू अब इसको प्रॉफिट कितना रहा है थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी फोर ठीक है इज़ इक्वल्स टू थ्री फिफ्टी इंटू इलेवन राइट अब देख लो ये आपके पास टेन टाइम्स गया ठीक है अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ये आपके पास कितना हो गया टू फोर डबल ज़ीरो प्लस थ्री वाई इज़ इक्वल्स टू ये आपका जगह टू फाइव फोर ज़ीरो मतलब यहाँ से सॉरी ये आपके हो सकेगा टू सिक्स फोर जीरो तो थ्री वाई इज ऑफ्टी और आई कैन से वाई इज इक्ल्स टू एट्टी मतलब इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा अगर हम देखें देखो y अगर 80 है तो आपने कॉपर कितना ऐड करा आपने कॉपर ऐड करा uh, 80 ग्राम्स ठीक है और उसने बोला क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर एंड सिल्वर इन दी आर्टिकल तो आर्टिकल में आपके पास बताओ सिल्वर कितना था आपके पास 300 हंड्रेड ग्राम्स में से कुछ ग्राम्स मिस हो गया था ठीक है और अगर कुछ ग्राम मिस हो गया था उसके बाद भी 80 ग्राम्स कॉपर जोड़ने से अगर आपके पास 350 फिफ्टी ग्राम्स बन रहा है इसका मतलब जो सिल्वर होगा वो आपके पास सिर्फ 270 सेवेंटी ग्राम सीधों का ना इज़ इट डेट डेबी द टू सेवेंटी में अगर हम एट्टी एड करेंगे आपके पास 350 बन जाएगा तो अगर ये आपके पास कॉपर है तो इज टू टू सेवेंटी मतलब इसका राइट आंसर एट इस टू ट्वेंटी सेवन हो जाएगा तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए ओके okay, इस क्वेश्चन में गिविन क्या उस टाइम से बोले अ पर्सन सम टेबल एंड सम चेयर्स फ्रॉम अ स्टोर एक पर्सन है जो कि कुछ टेबल और कुछ चेयर लेकर आता है द मार्क प्राइज ऑफ टेबल एंड अ चेयर इज़ इन द रेशियो सिक्स इज़ टू फाइव ओके जो आपके पास मार्क प्राइस है ठीक है किसकी एक टेबल की और चेयर की वो किस रेशियो में सिक्स एस टू फाइव के रेशियो में ठीक है उसने वाला है कि एंड स्टोर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ फिफ्टी बाई थ्री परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट ऑन द टेबल एंड द चेयर रिस्पेक्टिवली मतलब क्या इस पर वो कितना डिस्काउंट देता है फिफ्टी बाई थ्री परसेंट का डिस्काउंट देता है और इस पर वो कितना डिस्काउंट देता है ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट देता है ठीक है तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी बन जाएगी इसको एक काम करते हैं इसको सिक्सटी मान लीजिए फिफ्टी मान लीजिए तो अब देखो फिफ्टी बाई थ्री परसेंट को अगर हम बात करते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं वन बाई सिक्स और इतने का अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो फाइव बाई सिक्स ऑफ सिक्सटी लिख सकते हैं ये आपके पास कितना हो जाएगा फिफ्टी हो जाएगा इसकी सेलिंग प्राइस फिफ्टी होगी और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी वो आपके पास फोर्टी हो जाएगी ठीक है अब आगे उसने क्या बोला है कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर्स बॉर्ड बाय हिम इज़ इन दी रेशो ट्वेल्व is टू इलेवन जो आपके पास रेशो है किसका टेबल और चेयर का वो ट्वेल्व is टू इलेवन है मतलब क्या ये आपके पास ट्वेल्व के और ये आपके पास इलेवन के है नंबर ऑफ़ टेबल्स और नंबर ऑफ़ चेयर्स ठीक है अब इसने किया गया आप एक बार को थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक आदमी है वो एक शॉप पर गया ठीक है शॉप पर जो मार्ग प्राइस थी टेबल और चेयर की वो ये थी सिक्सटी और फिफ्टी वहाँ की जो शॉप है उसने उसको डिस्काउंट दिया तो जो सेलिंग प्राइस बनी वो कितनी बनी फिफ्टी और फोर्टी बनी मतलब ये जो पर्सन है वो इतने प्राइस पर इन सामान को लेकर आया अब आगे उसने बोला है कि ही अप द प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स पे थर्टी परसेंट ऑन द प्राइस विच ही बॉट अब वो क्या करता है इस प्राइस को अब उसको ये बेचने हैं ना तो इनको वो थर्टी थर्टी परसेंट से इंक्रीमेंट कर देता है इसको थर्टी परसेंट से इंक्रीमेंट करूँगा तो जो आपके पास आ, मार्क प्राइस नहीं बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी अगर मैं थर्टी परसेंट से इंक्रीमेंट करता हूँ सिक्सटी फाइव और ये आपके फिफ्टी टू हो जाएगी राइट उसके बाद इसको बेस देता है हर एक टेबल और चेयर को एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट रिस्पेक्टिवली अच्छा मतलब इसको वो आगे बेचता है ट्वेंटी परसेंट के डिस्काउंट पर अब ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मतलब कितना हो गया इसमें से अगर मैं थर्टीन को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो जो नई सेलिंग प्राइस बन जाएगी वो इसकी कितनी बन जाएगी फिफ्टी टू बन जाएगी और जो इसकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी इसमें ट्वेंटी फाइव परसेंट का हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा थर्टी नाइन हो जाएगा ठीक है ये आपके पास क्या बन गई नई सेलिंग प्राइस बन गई मतलब ये जो पर्सन है आप बेचेगा वो इतने इतने प्राइस पर बेचेगा उसने बोला क्या है इफ़ ही गिव्स टू चेयर्स फ्री फॉर एवरी थ्री टेबल्स ही बॉट बाय द कस्टमर ठीक है अगर वो क्या करता है तीन टेबल के साथ दो चेयर फ्री में दे देता है देन वॉट इज द लॉस मेड बाय द पर्सन आफ्टर सेलिंग ऑल द आइटम्स विच ही बॉट फ्रॉम द स्टोर तो हमें बताना है कि कितना इसको लॉस होगा अगर वो सारे आइटम्स को बेच देता है तो एक चीज़ को समझिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है टेल्व के हैं ठीक है चेयर्स कितनी है इलेवन के हैं फाइन तो यहाँ पर अगर हम बात करें मान लेते हैं के की वैल्यू कितनी है वन है तो बारह अगर आपके पास टेबल है एलेवन अगर आपके पास चेयर्स है तो देखो इसकी आप तीन बेचोगे उसके साथ साथ दो आप ये दोगे ठीक है फिर आप ये तीन बेचोगे उसके साथ ये आप दो दोगे अब ये तो आपके पास ऐसे है फोर टाइम्स बेचोगे ना मतलब क्या थ्री इंटू फोर आप बेचोगे ट्वेल्व पूरी आप पूरी बारह तो चेयर टेबल्स बेचोगे अब इन टेबल्स के साथ आप टू इंटू फोर इतनी चेयर्स फ्री में दोगे आप क्या करोगे इतनी चेयर्स फ्री में दोगे इसका मतलब क्या हुआ कि ग्यारह में से आठ में चेयर्स फ्री में दे रहा हूँ ठीक है ये चीज़ समझ में आ गई ना तो जो बाकी के बचे हुए तीन हैं मैं सिर्फ उन्हीं को किसी प्राइस पर बेच पाऊँगा मतलब इस प्राइस पर बेच पाऊँगा ठीक है तो इसको जो टोटल कॉस्ट प्राइस लगी ये जो पर्सन है इसको जो टोटल कॉस्ट प्राइस लगी वो कितनी लगी है बताइए वो इन प्राइस पर स्टोर से ख़रीद कर लाया था मतलब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना कि ट्वेल्व इंटू फिफ्टी प्लस फोर्टी इंटू एलेवन तो ये तो इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी देखो वो बारह तो क्या बेचेगा टेबल बेचेगा अब हर एक टेबल वो फिफ्टी टू रुपीज़ में बेच रहा है राइट right? और वो चेयर कितनी बेचेगा वो सिर्फ तीन ही तो चेयर बेचेगा ना क्योंकि बाकी तो वो फ्री में दे दे रहा है तो अगर तीन चेयर बेचेगा मतलब थ्री इंटू थर्टी नाइन आप कर लीजिए राइट right? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा वन ज़ीरो फोर जीरो रुपीज़ हो जाएगा और ये आपके पास टोटल कितना बन जाएगा सेवन फोर्टी वन बन जाएगा तो यहाँ पर अगर हम लॉस परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं इसमें से अगर मैं इसको सब्सक्राइड करता हूँ ये आपके पास 299 अपॉन 1040 ज़ीरो फोर ज़ीरो इन टू हंड्रेड हो जाएगा तो ये आपके पास कितना बना 28.75 परसेंट मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या मैंने उस टाइम से बोला है कि इन ए स्टोर मार्क प्राइस ऑफ़ अ टॉवल इज 26.66 परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ अ डीज ठीक है आपके पास उसमें बोला कि जो मार्क प्राइस है इसकी टॉवल की इसको हम क्या लिख सकते हैं 80 अपॉन 3 परसेंट ये लेस है अब इसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ 80 अपॉन 3 इन टू और आई कैन से फोर फाइव मतलब फोर अपॉन ठीक है और इतना लेस है इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मार्क प्राइस है टेबल की वो इलेवन बाई फिफ्टीन है किससे जो मार्क प्राइस है किसकी जीन्स की ठीक है आगे उसने क्या बोला है कि देर आर टू डिस्काउंट स्कीम्स ए एंड बी दो डिस्काउंट स्कीम्स हैं एक आपके पास है ए और एक आपके पास है बी ठीक है इन स्कीम ए इफ समन वाइस वन टॉवल एंड वन जीन्स टुगेदर दैन स्टोर गिव्स ओवरऑल डिस्काउंट ऑफ एटीन परसेंट अच्छा पहली स्कीम में क्या है मतलब स्कीम ए में अगर वो एक टावल लेता है और साथ के साथ अगर वह एक जीन्स लेता है मतलब साथ में तो इन दैट केस उसको ओवरऑल अठारह परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ठीक है और स्कीम बी में क्या है इफ़ सम बाइस वन टॉवल एंड वन जीन्स सेपरेटली अगर अलग अलग बाई करते हैं इन दैट केस जो स्टोर है वह बीस परसेंट Uh, किस पर टॉवल पर देगा और थर्टी परसेंट किस पर देगा जीन्स पर देगा ठीक है इन दैट केस अगर हम बी की बात करें अगर वो टेबल अलग सॉरी uh, टॉवल अलग लेता है और जीन्स अलग लेता है इन दैट केस टॉवल पर उसको बीस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और जीन्स पर उसको थर्टी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ठीक है उसने बोला क्या इफ़ डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ वन जीन्स एंड वन टॉवल इन स्कीम ए एंड बी ज इतना जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस का इन दोनों स्कीम्स से वो आपके पास इसके बराबर दिया हुआ है देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वन जीन्स एंड वन टॉवल गिविन दैट द स्टोर मेड मार्क प्राइस ट्वेंटी परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टॉवल एंड इतना और चीज ठीक है तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं देखिए अगर हम बात करें हमारे पास जो मार्क प्राइस है टॉवल और जीन्स के केस में जो मार्क प्राइस है ठीक है ये हम मान लेते हैं हमारे पास कितनी है वन वन ज़ीरो है और ये आपके पास कितनी है वन फिफ्टी है ठीक है तो केस ए के अकॉर्डिंग अगर मैं स्कीम ए के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपके पास जो टोटल सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी ये प्लस ये मतलब टू सिक्सटी का इसमें आपको एटीन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ठीक है मतलब एटी टू हंड्रेड ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस टू वन थ्री पॉइंट टू हो जाएगी अगर मैं स्कीम बी की बात करता हूँ इन दैट केस क्या होगा देखो इस पर बीस परसेंट का अगर डिस्काउंट मिलेगा मतलब क्या माइनस ट्वेंटी टू अगर हम करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा एट्टी एट प्लस इसमें से माइनस थर्टी अगर हम करेंगे तो माइनस फोर्टी फाइव अगर करूँगा तो वन ज़ीरो फाइव तो यहाँ से आपके पास टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है थ्री वन कैरी वन नाइन वन ठीक है यह आपके पास क्या हो जाएगी बी से जो सेलिंग प्राइस आई अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अब डिफरेंस कितना है ट्वेंटी पॉइंट टू वो इक्वल टू दिया हुआ है किसके सिक्स ज़ीरो सिक्स के बराबर ठीक है तो यहाँ से अगर हम बात करें वन किसके बराबर हो जाएगा सिक्स जीरो सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी पॉइंट टू और आई कैन से थर्टी वन बराबर है थर्टी के तो उसने हमसे कॉस्ट प्राइस पूछिए दोनों की कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा है आपके पास कॉस्ट प्राइस तो अगर मैं यहाँ पर मार्क प्राइस निकालना चाहूँ इसकी मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी ये जाए जाएगी? जाएगी आपके पास थ्री थ्री डबल ज़ीरो इसकी मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास फोर फाइव डबल ज़ीरो तो अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ किसकी टावल की तो टॉवल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी देखो उसने टॉवल को इंक्रीज़ कराए ट्वेंटी परसेंट अबव तो इसका मतलब आपके पास जो टॉवल की कॉस्ट प्राइस है वो थ्री थ्री डबल ज़ीरो इन ये आपके पास हो जाएगा कितना सिक्स और फाइव यहाँ पर ठीक है तो ये आपके पास हो गया फाइव फाइव ज़ीरो और ज़ीरो ट्वेंटी फाइव टू कैरी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ये आपके पास क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी टॉबल की जीन्स के केस में अगर मैं बात करता हूँ तो फोर फाइव डबल ज़ीरो है ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट आपके पास क्या है उसने इंक्रीज़ कराया है मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा फाइव यहाँ पर फोर यहाँ पर नाइन डबल ज़ीरो मतलब ये आपके पास थ्री सिक्स डबल ज़ीरो हो जाएगी ये दोनों कॉस्ट प्राइस के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा एट फिफ्टी हो जाएगा मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ठीक है आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए ओके है। okay, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है अ शॉपकीपर हैज टू टाइप ऑफ राइस इन्फीरियर एंड सुपीरियर ओके इन्फीरियर राइस कंटेन्स फोर्टी परसेंट राइस ए एंड रेस्ट राइस बी ठीक है आपके पास इन्फीरियर और सुपीरियर टाइप के दो राइसेस हैं इन्फीरियर में आपका राइस ए कितना है वो फोर्टी परसेंट है और बाकी का बचा हुआ राइस बी है मतलब कि सिक्सटी परसेंट होगा और उसके बाद सुपीरियर राइस कंटेन राइस बी एंड राइस सी ओके सुपीरियर में आपके पास राइस बी है और राइस सी है ठीक है ही मिक्सिस बोथ टाइप ऑफ राइस इन दी रेशियो टू इस टू थ्री उसने दोनों टाइप के राइस मिलाए टू इस टू थ्री के रेशियो में ओके एंड आफ्टर एटिंग टू के जी ऑफ राइस ए इन दी फाइनल मिक्सचर, मतलब इन दोनों को उसने जब टू इस टू थ्री के रेशियो में मिलाया उसके बाद उसने उसमें ट्वेंटी के जी राइस ए और एड करा ठीक है तो जो रेशियो था राइस ए राइस बी और राइस सी का वो कितना बन गया आपके पास एट एज़ टू सिक्सटी एज टू फाइव बन गया ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर हम यहाँ पर बात करें देखो जब उसने इन दोनों को मिलाया तो आपके पास जो बी का कंसनट्रेशन है वो मिक्स होगा ठीक है बाकी आपके पास जितना यहाँ पर ए है और जितना यहाँ पर सी है वो तो सेम ही रहना चाहिए ठीक है और एट द एंड आपके पास जो एस टू बी टू सी का जो रेशियो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है एट टू सिक्सटीन टू फाइव मिल रहा है तो यहाँ से अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि इनिशियली आपके पास इन्फीरियर से हमने ए की कितनी क्वांटिटी ली थी टू पार्ट लिया था ठीक है इसका कितना टू पार्ट लिया था इसको टू के मान लो इसका फोर्टी परसेंट लिया था ठीक है उसके बाद उसमें हमने बीस के जी क्या मिला दिया था ये ए और मिला दिया था मतलब कि इसमें प्लस ट्वेंटी के हमने और मिला दिया डिवाइडेड बाय अगर हम बात करें टोटल क्वांटिटी की तो टोटल आपके पास क्वांटिटी कितनी होगी ये आपके पास टू के और ये आपके पास थ्री के इन दोनों को ही तो हमने ऐड करा था ना मतलब जो टोटल क्वांटिटी होगी वो फाइव के ये होगी अब इसमें हमने क्या करा 20 के टाइप ए ऐड कर दिया था राइट right. तभी तो हमारे पास जाकर ये रेशियो मिला ना तो इसको हम क्या बोल सकते हैं ये बराबर किसके होगा देखो ये आपके पास क्या A है ए है डिवाइडेड बाई टोटल तो इसको हम बोल सकते हैं ना ये आपके पास एट अपॉन ये कितना हो जाएगा यह आपके पास ट्वेंटी नाइन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा फोर से गया टू टाइम्स फोर से गया फाइव टाइम्स फोर से गया टेन टाइम्स ठीक है तो ये आपके पास कितना हो गया ट्वेंटी के परसेंट प्लस फाइव डिवाइडेड बाय फाइव के प्लस ट्वेंटी इजिकल टू टू अपॉन ट्वेंटी नाइन ठीक है तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी फाइव हो जाएगी ठीक है आपके पास के की वैल्यू ट्वेंटी फाइव आ गई अब उसने हमसे बोला क्या था कि देन द वेट ऑफ द राइस बी इन सुपीरियर राइस इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन वेट ऑफ द राइस बी इन द इन्फीरियर राइस ओके तो आपको बताना है कि ये जो आपके क्वान्टिटी है टोटल वो कितनी ज़्यादा परसेंट है किससे इस क्वांटिटी से तो इसको हम कैसे कर सकते हैं देखो अगर के की वैल्यू आपके पास कितनी है ट्वेंटी फाइव है इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी, कितनी हो जाएगी आपके पास फिफ्टी हो जाएगी ठीक है और ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी सेवेंटी फाइव हो जाएगी राइट अब अगर हम बात करें इसमें से देखो फोर्टी परसेंट यहाँ पर था ये तो इसका फोर्टी परसेंट मतलब ट्वेंटी ये था तो इसका मतलब ये आपके पास कितना था बाकी का बचा हुआ थर्टी के चीज़ था ठीक है ये चीज़ समझ में आ गई अब देखो यहाँ पर हम इस रेशियो का यूज़ करेंगे किस तरीके से यूज़ करेंगे ये जो आपके पास एट है वो आपके पास एक की क्वांटिटी है जब हमने इसमें ट्वेंटी और ऐड कर दिया था मतलब हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि ये एट बराबर किसके हैं फोर्टी के ठीक तो वन बराबर किसके हो जाएगा फाइव के हो जाएगा अगर हम सी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव हो जाएगी ठीक है और हमने सी में किसी भी तरीके का स्टार्टिंग से चेंज नहीं कराया मतलब यहाँ पर आपके पास जो क्वांटिटी होगी वो 25 फाइव ही तो होगी ना और अगर ये आपके पास 25 है तो ऑब्वियसली ये आपके पास रिमेनिंग कितना जाएगा फिफ्टी हो जाएगा बिकॉज़ ये टोटल आपके पास सेवेंटी था अब उसने बोला क्या था कि ये वैल्यू इससे कितना ज़्यादा है तो हम निकाल सकते हैं परसेंटेज वाइज ये कितना लगेगा आपके पास ट्वेंटी अपॉन थर्टी इन हंड्रेड और आई कैन से टू हंड्रेड अपॉन थ्री मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए ओके है। okay, इस क्वेश्चन में क्या कि है उस टाइम से बोला है कि मोहन इज ऑफर्ड आ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट एंड अड फोन वुपीज थ्री फाइव डबल जीरो फ्री विद अ न्यू मोबाइल फोन ठीक है मोहन को एक मोबाइल फोन खरीदने पर डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का ट्वेंटी परसेंट का ठीक है और साथ ही साथ उसको एक हेडफोन दिया जा रहा है जिसकी प्राइस कितनी है थ्री फाइव डबल जीरो रुपीज़ है ठीक है अब उसने बोला कि मोहन डज़ नॉट वॉन्ट द हेडफोन एंड सो आस्क द शॉपकीपर टू डिडक्ट द प्राइस ऑफ द हेडफोन फ्रॉम इस बिल ठीक है मान लेते हैं आपके पास जो मार्क्ड प्राइस थी इस मोबाइल फ़ोन की वो टेन एक्स थी राइट और जो इसकी सेलिंग प्राइस बन रही थी वो बीस परसेंट डिस्काउंट के बाद मतलब कितनी बनती एट एक्स बनती ठीक है बाकी का ये जो आपके पास हेडफोन है थ्री फाइव डबल ज़ीरो का वो तो फ्री मिलता मतलब कि मोहन को तो सिर्फ एट एक्स रुपीज़ ही देने पड़ते ना इज़ इट लेकिन मोहन ने क्या बोला कि मुझे हेडफोन नहीं चाहिए आप जो भी इसका प्राइस है आप क्या करिए उसको डिडक्ट कर दीजिए और मुझे उतने पर दे दीजिए ठीक है उसने ये चीज़ बोली लेकिन बट द शॉपकीपर डिडक्ट्स ओनली सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हेडफोन लेकिन जो शॉपकीपर है वो इसका सिर्फ 75% परसेंट क्या कर देता है वो डिडक्ट करता है मतलब क्या जो आपके पास बिल बनेगा वो कितना बनेगा एट एक्स माइनस थ्री फाइव डबल जीरो का 75% परसेंट ठीक है तो ये आपके पास क्या बिल बन रहा है किसका मोहन का ठीक है उसने बोला क्या है मोहन फाइनली पेज रुपीज इतना मतलब ये आपके पास जो वैल्यू है वो बराबर किसकी होगी एट नाइन सेवन फाइव के बराबर होगी ठीक है समझ में आ गया तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ आपके पास एट एक्स इजिकल्स टू किसके हो जाएगा वन वन सिक्स डबल ज़ीरो के तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई वन फोर फाइव ज़ीरो हो गई ठीक है अब एक चीज़ को समझिए जब आपके पास शॉपकीपर इसको इतना प्राइस माइनस कर दिया मतलब जो मार्क प्राइस है वो तो आपके पास टेन एक्स ही होगी ना तो इसके हिसाब से सा अगर हम देखते हैं आपके पास मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी वन फोर फाइव डबल ज़ीरो हो जाएगी ठीक है अब उसने आगे क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है कि हेट द शॉपकीपर सोल्ड द मोबाइल फ़ोन एट द मार्क्ड प्राइस ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25 परसेंट अगर शॉपकीपर मार्क्ड प्राइस पर ही इस मोबाइल फ़ोन को बेचता तो उसको 25 परसेंट का प्रॉफिट होता मतलब कि अगर मैं इसकी कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूँ तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी वन फोर फाइव डबल ज़ीरो इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट था ना फोर अपॉन्ट फाइव ठीक है तो ये आपके वेस्ट कितना हो गया देखिए ये आपके हो जाएगा टू नाइन डबल जीरो और आई कैन से ज़ीरो ज़ीरो सिक्स इलेवेन ठीक है ये आपके पास इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी अब उसने बोला क्या है कि कितना परसेंट का आपको लॉस हुआ इस ट्रांजेक्शन में तो देखो कॉस्ट प्राइस आपके पास ये थी और जो प्राइस मिली शॉपकीपर को वो तो इतनी मिली ना मोहन की तरफ से तो यहाँ से अगर हम देखें इसको लॉस कितना और वन वन सिक्स डबल ज़ीरो माइनस एट नाइन सेवन फाइव और अगर हमें परसेंटेज निकालना है लॉस परसेंटेज तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा वन वन सिक्स डबल ज़ीरो इन टू हंड्रेड से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स परसेंट तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा